नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कॉमन प्रॉब्लम की जो प्रेग्नेंट लेडीज़ का जब 7वां, 8वां या 9वां महीना होता है तो उन्हें बहुत ज़्यादातर महिलाओं में ये प्रॉब्लम कॉमनली देखी जाती है। और ये होती है कि महिलाओं के पैरों में स्वेलिंग हो जाती है, यानी कि महिलाओं के पैर सूज जाते हैं और एक उनमें अजीब सा सेंसेशन होता है जिससे महिलाओं को बड़ी दिक्कत होती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इसी के लिए कुछ रेमेडीज़ की बात करेंगे कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं और आपका मतलब लास्ट ट्राइमेस्टर चल रहा है और आपके पैरों में इस तरह स्वेलिंग आ चुकी है, इसको किस तरह से घर बैठे होम रेमेडीज़ के साथ इसको क्योर कर सकती हैं। तो दोस्तों, मेरा वीडियो एंड तक देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस तरह की बहुत सारी प्रेगनेंसी केयर टिप्स के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं हमारा वीडियो। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ तो ये जो प्रॉब्लम है ये बहुत कॉमन है, ये महिलाओं में बहुत ज़्यादा देखी जाती है। अगर आपके तलवे सूज गए हैं, यानी कि आपके पैरों में स्वेलिंग आ गई है और आपके पैर ऐसे मोटे मोटे से हो गए हैं, तो आप इसके लिए बहुत ज़्यादा चिंता नहीं करें, बस आप ये रेमेडीज़ फॉलो करें। लेकिन हाँ, अगर आपके पैरों के साथ आपके हाथ भी सूज गए हैं, आपके मुँह पर भी स्वेलिंग है, आपके बॉडी अदर पार्ट्स में भी स्वेलिंग है, तब आप एक बार इसके लिए डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। तो दोस्तों, अगर आपके पैरों में स्वेलिंग हो गई है तो सबसे पहली चीज़ आप ये देखें कहीं आप बहुत ज़्यादा बेड रेस्ट तो नहीं कर रही हैं, आप बिल्कुल बेड पे तो नहीं बैठी है। क्योंकि दोस्तों, प्रेगनेंसी में ऐसा कहा जाता है कि आप जितना एक्टिव रहते हैं उतना आपकी बॉडी का जो फ्लूड है वो उसी तरह से मैनेज होता है। तो इस तरह से अगर आप एक्टिव रहेंगी तो आपकी बॉडी का फ्लूड एक जगह आके नहीं जमेगा और आपके जो स्वेलिंग की समस्या है वो थोड़ी सी कम रहेगी। तो आप थोड़ा सा एक्टिव रहें, प्रेगनेंसी के जो नॉर्मल काम काज है वो आप करते रहें, बहुत ज़्यादा दिन तक आप लास्ट ट्राइमेस्टर में बेड पे नहीं बैठे। दूसरा इसका सॉल्यूशन है कि आप बहुत ज़्यादा देर तक खड़ी नहीं रहें। कई बार महिलाएं क्या होती है, किचन में 3-3, 4-4, 5-5 घंटे तक खड़ी रहती हैं, इससे भी उनकी प्रेगनेंसी में स्वेलिंग आ जाती है क्योंकि उनकी बॉडी पर बहुत वेट बढ़ रहा होता है, बेबी बम्प उनका काफ़ी बड़ा हो जाता है थर्ड ट्राइमेस्टर में, इस कारण भी महिलाओं के स्वेलिंग आ जाती है। तो आप बहुत ज़्यादा देर तक एक ही जगह खड़ी ना रहें। अगर आपका खड़े रहने का काम है तो आप बीच बीच में रुक रुक के थोड़ी देर बैठ सकती हैं। तीसरी चीज़ दोस्तों, आपके इसमें आप क्या कर सकती हैं वो ये है कि आप काफ़ी अच्छी मात्रा में पानी पिए। कई बार क्या होता है, हमें लगता है पैरों में इतनी स्वेलिंग आ रही है, हमें इतना पानी नहीं पीना चाहिए, लेकिन दोस्तों, आप जितना पानी पियेंगी आपकी बॉडी के लिए उतना ही अच्छा रहेगा। तो अगर आपके पैरों में इस तरह से सूज गए हैं, सूजन आ गई है, तो आप खूब सारा प्रचुर मात्रा में बार बार पानी पिए। लेकिन हाँ, पानी आप एक साथ नहीं पिए और खड़े होकर नहीं पिए, आप बैठ के धीरे धीरे एक एक सिप लेके आप पानी आराम से सुकून से पिए। नेक्स्ट दोस्तों, आप इसमें क्या कर सकती हैं, जब आप रात को सोती हैं उस टाइम नॉर्मल जो पानी होता है, अगर सर्दियों के दिन है तो हल्का सा गुनगुना ले सकती हैं, बाकी आप नॉर्मल गर्मियों के दिनों में टेप वाटर ले सकती हैं। और सोने से पहले दोस्तों 10 से 15 मिनट के लिए आप इस पानी में आपके पैर रख सकती हैं। इससे भी दोस्तों आप ऑब्जर्व करेंगे कि आपको बहुत सुकून मिलेगा और ये स्वेलिंग धीरे धीरे खुद ही ख़त्म हो जाएगी अगर आप एक हफ्ते तक ऐसा करेंगी तो। इसके अलावा दोस्तों, आप कुछ एक रेमेडीज़ और फॉलो कर सकती हैं, जिसमें दोस्तों आप आपके जो पैर हैं उन पे आप अच्छे से मसाज कर सकती हैं, स्पेशली सोने से पहले। और मसाज के लिए आपको कौन सा ऑयल यूज़ करना है, तो वो है कोकोनट ऑयल। दोस्तों, कोकोनट ऑयल आप जानते हैं प्रेगनेंसी में कितना रोल प्ले करता है। अगर आप पेट पे इसकी मसाज पूरे 9 महीने करती हैं तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आपको स्ट्रेच मार्क्स आएँ। इसी तरह से अगर आपके पैरों पे स्वेलिंग है तो आप कोकोनट ऑयल को अपने पैरों पे अच्छे से मसाज करें, इससे भी आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में रिलीफ मिलेगा। इसी के साथ दोस्तों, कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको प्रेगनेंसी में अवॉइड करनी है, क्योंकि अगर आप इस तरह के फूड्स खाती हैं तो इससे भी स्वेलिंग की समस्या बढ़ जाती है। तो ये होते हैं दोस्तों सॉल्टी फूड्स, जैसे कि आप अगर चिप्स खा रही हैं या फिर कुरकुरे खा रही हैं या फिर आप ज़्यादा नमक वाले जंक फूड खा रही हैं, क्योंकि जंक फूड और इनमें काफ़ी अच्छी मात्रा में सॉल्ट होता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप इतने सॉल्टेड फूड खा रही हैं तब भी आपकी प्रेगनेंसी में स्वेलिंग आने के पैरों पे चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको इस तरह के जो फूड्स हैं, फास्ट फूड हैं, जंक फूड हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में नमक हो, स्पेशली चिप्स, कुरकुरे और इस तरह के पैक्ड जो फूड हैं, उनको आपको बिल्कुल खाना बंद करना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। और हो सके तो आप जो आपका खुद का भी खाना है उसमें भी आप सिंपल जो नमक आता है वाइट वाला, उसकी जगह सेंधा नमक का इस्तेमाल कुछ दिन के लिए कर सकती हैं।
अगर दोस्तों आप ये सारी चीज़ें करती हैं और ये सारी रेमेडीज़ फॉलो करती हैं, तो आप देखेंगे कि आपके जो पैरों में स्वेलिंग आई है उसमें आपको काफ़ी अच्छी मात्रा में निजात मिलेगा और आपकी स्वेलिंग खुद ब खुद ख़त्म हो जाएगी। ये बहुत नॉर्मल होती है, अक्सर महिलाओं को प्रेगनेंसी में हो जाती है, तो इसके लिए आप पैनिक बिल्कुल नहीं करें। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, ये जानकारी आपको हेल्पफुल लगी हो, तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली में जो नीडेड हैं उनके साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। मिलती हूँ बहुत जल्दी एक और इसी तरह के प्रेगनेंसी केयर वीडियो के साथ। टिल देन बाय।